दोस्तों ये साइड में जो स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है इसके ऊपर ध्यान देना, मैं यहाँ पर मेरा चैनल ओपन कर रखा हूँ है ना, और मैं मेरे चैनल का एक शॉर्ट वीडियो ओपन करूँगा। तो दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो पे आप देखना, यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये एक लॉन्ग वीडियो की लिंक है, यानी कि मैंने इस शॉर्ट वीडियो पे लॉन्ग वीडियो की लिंक लगा रखी है। यानी मैं इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करूँगा ना, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक लॉन्ग वीडियो प्ले हो जाता है। तो देखिएगा दोस्तों ये यहाँ पे प्ले हो गया है ना। तो ये मैंने किस तरह से लगाया हूँ ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों शॉर्ट वीडियो पे लॉन्ग वीडियो की लिंक कैसे लगाते हैं ये आज इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। होता क्या है दोस्तों, बड़े यूट्यूबर्स आपको क्या बताते हैं कि आप क्रोम ब्राउज़र में जाओ, वहाँ पे अपने चैनल को ओपन करो, और बाद में वहाँ पे जाकर के मतलब आपको वो बताते हैं, 5-4 सेटिंग भी बताते हैं, और बाद में वो वहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो पे लॉन्ग वीडियो की लिंक लगा पाते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊँगा। यानी वहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जा कर के चैनल को ओपन करके जब आप लगाते हो ना, वहाँ पर आपकी कम से कम 5-7 मिनट वो ख़राब हो जाती हैं, 5-7 मिनट आराम से लग जाती हैं, और दोस्तों बहुत सी सेटिंग भी करनी होती हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, मात्र 1 मिनट में आप अपना शॉर्ट वीडियो पे लॉन्ग वीडियो की लिंक लगा लोगे, मात्र 1 मिनट में। तो चलिए दोस्तों सबसे शॉर्टकट तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वे दोस्तों जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को यारो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, क्योंकि यूट्यूब टिप्स और यूट्यूब ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों किस तरह से आपको ये शॉर्ट वीडियो पे लॉन्ग वीडियो का लिंक लगाना ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों कैसे होता है ये, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। चलिए दोस्तों YT स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप YT स्टूडियो को ओपन करोगे तो दोस्तों आपको इसके बाद में जाना है नीचे कंटेंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, नीचे कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस कंटेंट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। कंटेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऊपर जाना है दोस्तों शॉर्ट्स पे, है ना। एक होता है वीडियोज और इसके आपको नज़दीक मिलेगा शॉर्ट्स, है ना। इस शॉर्ट्स पे जाकर के आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके शॉर्ट वीडियो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पहला जो मेरा ये शॉर्ट वीडियो, इस पर मैंने वो लॉन्ग वीडियो का लिंक वो लगा रखा है। तो मैं आपको क्या करूँगा, ये नीचे जो मेरा दूसरा ये जो शॉर्ट वीडियो, इस पर मैं आपको लिंक लगाना सिखाऊंगा, यानी कि लॉन्ग वीडियो की लिंक इस पे लगाकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए अब आपको क्या करना है, यानी यहां तक आपको आ जाना है और जिस शॉर्ट वीडियो पे आपको लॉन्ग वीडियो की लिंक लगानी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सेकंड नंबर पे जो ये मेरा शॉर्ट वीडियो, इस पे मैं लगाऊंगा, तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह का ऑप्शन ये खुलेगा। इसके बाद में आपको ऊपर जाना है, ऊपर देखना दोस्तों पेंसिल का आइकन मिलेगा, है ना। इस पेंसिल वाले आइकन पे फिर क्लिक करना है। चलिए इस पे भी क्लिक कर देते हैं। पेंसिल वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से हमारे सामने ये ऑप्शन खुलेंगे। इन ऑप्शनों में देखना है दोस्तों आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिलेटेड वीडियो। इसके बाद में इस रिलेटेड वीडियो पे आपको करना है क्लिक। दोस्तों जैसे ही रिलेटेड वीडियो पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने आपके हर वीडियो जो आपने अपलोड कर रखे हैं वो यहाँ पे शो करेगा। तो इन में से आपको जो भी लगाना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि उस शॉर्ट वीडियो पे जो भी आपको लॉन्ग वीडियो की लिंक लगानी है, चाहे तो आप शॉर्ट वीडियो की भी लिंक शॉर्ट वीडियो पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नहीं है कि आप शॉर्ट वीडियो पे ओनली लॉन्ग वीडियो की ही लिंक लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो और आपके लॉन्ग वीडियो सारे यहाँ पे शो करेगा, है ना। अब आप शॉर्ट वीडियो पे अगर शॉर्ट वीडियो का ही लिंक लगाना चाहो तो यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट वीडियो पे लॉन्ग वीडियो की ही लिंक लगानी है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों कोई एक मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ कोई एक, यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा देखता हूँ मैं कौन सा लगाना चाहता हूँ। चलिएगा दोस्तों मैं ये लगाना चाहता हूँ, ये लगाना चाहता हूँ YouTube वीडियो डिलीट कैसे करें 2024, मैं इसको वहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। यानी जो भी वीडियो आपको लगानी है उस वीडियो पर आपको क्लिक करना है। मात्र क्लिक करते ही आप देखना दोस्तों क्या होगा, इस तरह से आपके सामने ये देखिएगा रिलेटेड वीडियो जो हमने लगाया था, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको YouTube वीडियो डिलीट कैसे करें 2024, ये यहाँ पे लग चुका है। लेकिन इतने में लगा नहीं है दोस्तों,
आपको ऊपर देखना है, ऊपर सेव का ऑप्शन है ना, इस सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, सेव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक करोगे ना तो दोस्तों आपके सामने ये यहाँ पे लग चुका है, यानी इस शॉर्ट वीडियो पे लॉन्ग वीडियो का लिंक लग चुका है। तो चलिए दोस्तों, प्रूफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इसको सारा बैक कर देता हूँ, वापस उस चैनल को ओपन करेंगे। देखिएगा दोस्तों, उस चैनल को ओपन करेंगे यानी कि मैं मेरा चैनल है वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मेरा इस ये जो शॉर्ट वीडियो है ना, ये पहला शॉर्ट वीडियो, इस पे तो मैंने लगा रखा था, अभी हमने इस सेकंड वाले पे लगाया है। तो चलिए दोस्तों, सेकंड वाले को हम करेंगे ओपन। सेकंड शॉर्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये प्ले हो चुका है। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये लिंक लग चुका है लॉन्ग वीडियो का, यहाँ पे लिंक लग चुका है। देखिएगा दोस्तों, यूट्यूब वीडियो डिलीट कैसे करें 2024, यही हमने वहाँ पे सेलेक्ट करके लगाया था और वो इस शॉर्ट वीडियो पे लग चुका है, यानी कि इस शॉर्ट वीडियो पे लॉन्ग वीडियो का लिंक है वो लग चुका है। इस तरह से दोस्तों आपको लगा लेना है। क्रोम ब्राउजर में टाइम लगेगा, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। तो दोस्तों, अगर इतना शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया तो लाइक तो बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब टिप्स और यूट्यूब ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।